नमस्कार, मैं डॉक्टर अदिति गई, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन गौर सिटी टू नोएडा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीनोपॉज मतलब रजोनिवृत्ति की सही उम्र क्या है और ये इसके होने वाले लक्षण क्या होते हैं। ये जानने से पहले कि इसकी सही उम्र क्या है, आइए पहले जानते हैं कि मीनोपॉज कहा किसे जाता है। टेक्निकली जब किसी महिला का एक पूरे साल मतलब 12 महीने तक पीरियड नहीं होता तो उसे मीनोपॉज कहा जाता है। अब ये जान लेना और भी जरूरी है कि मीनोपॉज होता क्यों है। हर महीने महिला के अंडाशय में एक अंडा बनता है। इस अंडा बनने की प्रक्रिया में ईस्ट्रोजन हार्मोन लिबरेट होता है। इस ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से एक महिला को यौवन मिलता है, एक महिला को युवत्व मिलता है। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन किसी फीमेल को युवा रखने में मदद करता है। 14 दिन के बाद ये एग अंडाशय से बाहर निकल जाता है जिसको ओवुलेशन कहा जाता है, एंड देन अगेन आफ्टर 14 डेज ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये साइकिल महीना दर महीना जब तक पीरियड्स आते रहते हैं वो चलता रहता है। अब जब किसी महिला के शरीर में अंडा की क्वांटिटी कम होने लगती है या फिर अंडा बनने की प्रक्रिया कम होने लगती है तो उसे इररेगुलर ब्लीडिंग या एक्सेसिव ब्लीडिंग या कम ब्लीडिंग कम होना जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं और धीरे धीरे ये एग्स बनने बंद हो जाते हैं और मीनोपॉज हो जाता है। अब एग्स कितने बनेंगे किसी महिला के शरीर में, ये जब हम अपनी माता के गर्भ में होते हैं उसी समय डिसाइड हो जाता है। जब एग्स उस समय तो डिसाइड हो ही जाते हैं, साथ ही साथ ये किसी महिला के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसकी पैरिटी, पैरिटी मतलब कितने बेबीज उसके हुए हैं उसके लाइफ के टेन्योर में, और साथ ही साथ हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। हेरिडिटी मतलब किसी महिला की मदर को पीरियड्स कब बंद हुए तो ये उस चीज पर भी डिपेंड करता है। अब ये जान लेना और भी जरूरी है कि ये जो पीरियड्स हैं ये अचानक से बंद नहीं हो जाते, ये जो मीनोपॉज है ये अचानक से नहीं हो जाता। ये प्रक्रिया होने में कई बार 6 महीने, साल, 5 साल भी लग जाते हैं। तो इस जब हम इरेगुलर पीरियड से जूझ रहे होते हैं उसको पेरीमेनोपॉजल टाइम कहा जाता है। इस टाइम पर जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मीनोपॉज की सही उम्र क्या है, तो इंडिया में 45 टू 55 ईयर्स के बीच में मीनोपॉज होता है। अगर ये मीनोपॉज 40 टू 45 ईयर्स में हो जाए तो इसको अर्ली मीनोपॉज कहा जाता है। और अगर किसी महिला को मीनोपॉज 40 ईयर्स से भी पहले हो जाए तो उसे प्री मेच्योर मीनोपॉज कहा जाता है। किसी किसी महिला में 20 टू 30 ईयर्स में भी मीनोपॉज हो सकता है। ये थोड़ा अब नॉर्मल है, इसको किस प्रकार से डील करना है ये मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया और इसके लक्षण। इसके लक्षण क्या है आइए अब इसमें हम डिटेल में बात करते हैं। तो इस दौरान आपके शारीरिक, व्यवहारिक और दिमागी सिम्टम्स आने लगते हैं। सबसे मेन सिम्टम जो आता है वो है हॉट फ्लशेस और नाइट स्वेट्स का। हॉट फ्लशेस मतलब भरी सर्दी के दिन होंगे, सब लोग आराम से बैठे होंगे और आपको एकदम से गर्मी लगने लगेगी, एकदम से डिस्कम्फर्ट होने लगेगा। और जब यही सिम्टम रात को सोते में हो, रात को आप अच्छे से सो रहे हैं और अचानक से पसीना आने लगेगा तो इसको नाइट स्वेट्स कहा जाता है। आपके पार्टनर को दिक्कत लगने लगती है कि कभी तो आपको बहुत गर्मी लग रही है, कभी तो आपको बहुत सर्दी लग रही है, किसी किसी को चिल्स भी आ सकते हैं। साथ ही साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, किसी चीज़ में मन ना लगना, बिना बात के चिड़चिड़ापन रहना, ये सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब हेयर की क्वांटिटी या हेयर क्वालिटी कम होने लगती है, बाल बहुत पतले हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। स्किन बहुत सेंसिटिव हो सकती है, जो कॉस्मेटिक्स आपको पहले बहुत अच्छे से सूट करते होंगे
हो सकता है इस दौरान आपको वो सूट ना करे। साथ ही साथ फेस में झुर्रियां पड़ने लगती हैं। झुर्रियों का कारण क्या है कि जो स्किन है उस स्किन अंडरनीथ कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू, जिस वजह से स्किन एकदम अपनी पोजीशन में रहता है। लेकिन मीनोपॉज के दौरान ये कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू कम होने लगता है, जिसकी वजह से झुर्रियां पड़ने लगती हैं। थायराइड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इस दौरान हमें ध्यान रखना है वो है हार्ट के रिलेटेड। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये एक प्रोटेक्टिव हार्मोन है। जब मीनोपॉज में ये हार्मोन कम होने लगता है तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है और बीपी बढ़ने लगता है। तो इसलिए हमें अपने बीपी का खास ध्यान रखना है इस दौरान। नेक्स्ट जो हमारा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी सारी बढ़ जाती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम सारा वीक हो जाता है, लिवर वीक हो जाता है, जो इंटेस्टिनल पेरिस्टाइसिस मतलब जो एक हजम करने की कैपेसिटी होती है किसी खाने को वो भी कम होने लगती है। नॉर्मली हमारा स्टमक जहाँ 2 से 3 घंटे में खाली हो जाता है तो यही गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम इसको कहा जाता है, ये बढ़ जाता है। जब खाना ज्यादा देर तक आपकी आंतों में या स्टमक में रहेगा तो गैसेस होनी ज्यादा हो जाती हैं। शुरू गैसेस शुरू हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, खाना जो आपको पहले बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता था वो अभी डाइजेस्ट होने में हो सकता है मुश्किल हो। इसलिए आपको इस दौरान लाइट खाना खाएंगे तो बेहतर रहेंगे। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज आपको यूरिन सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। यूरिन में यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब अगर आप जोर से छींकते हैं या खांसते हैं तो यूरिन लीकेज, पेशाब लीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से कई बार अनयूजुअल स्मेल से भी ऐसी फीमेल्स को जूझना पड़ता है। फेस में गम्स वीक होने शुरू हो जाते हैं, गम्स और टीथ दोनों वीक होने शुरू हो जाते हैं, तो खाना फंसना शुरू हो जाता है दांतों में। कई बार जब हम अपनी डेंटल हाइजीन पे ध्यान नहीं देते तो माउथ से, ओरल कैविटी से स्मेल आनी भी शुरू हो सकती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है बिकॉज ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म देखो साइड बाय साइड, तो आपके जॉइंट्स और बोन्स भी दोनों वीक होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ विजाइनल ड्राइनेस और इचिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आप संबंध बनाते हैं तो हो सकता है उस समय वहां पे कट्स वगैरह लग जाएं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स हैं जो इस दौरान हम आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ लेग्स में, मसल्स में पेन्स होने स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के ट्रीटमेंट हैं और ये आपको अपने गायनेक से बात करके पता चल सकता है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि मीनोपॉज मतलब रजोनिवृत्ति की सही उम्र क्या है, ये होता कैसे है, साथ ही साथ इसके मेन सिम्टम्स जैसे हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, इरिटेबिलिटी, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, जेनिटो यूरिनरी मतलब यूरिन के सिम्टम्स, या फिर बोन्स वीक हो जाना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स के हम के बारे में हमने आज बात की। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे लिखे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप यू आर वेयरिंग योर मास्क प्रॉपरली, बिकॉज हर वीडियो में मैं बोल रही हूँ कि थर्ड वेव को प्रिवेंट करने का इकलौता तरीका प्रॉपर मास्किंग ही है। मास्क पहनिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।